फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही सुंदर लेस डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर लीफ डिज़ाइन है, 16 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 15 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे चाहिए। तो इस सिलाई में मैंने 32 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारे के लिए टोटल 34 फंदे डाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। ये ऐसे 2 बार एक फंदा बुनना है और एक बार धागा घुमाना है। घुमाने के बाद अब हमने ये 3 फंदों को ऐसे उतारना है, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाना है और पीछे से बुनते हुए 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। ऐसे 3 का एक बनाने के बाद 8 फंदे सीधे बुने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारा 15 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, फिर एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं। ये धागा घुमाने के बाद अब 3 फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 फंदों का एक बनाएं। ऐसे 3 का एक बनाने के बाद 8 फंदे सीधे बुने। तो ये दूसरी बार हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में धागा आगे प्लस वाले 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे किनारी वाला फंदा सीधा। ये हमारी एक नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। इस डिज़ाइन की उल्टे हाथ की सारी सिलाइयाँ हमने सेम बुननी हैं। जैसे मैं ये 2 नंबर सिलाई बनाऊंगी, बाकी की सभी सिलाइयाँ हमने वैसे ही सेम बुननी हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये 2 नंबर सिलाई बनाना बताऊंगी, आगे की उल्टे हाथ की सिलाइयाँ आपने सेम वैसे ही बना लेनी है। पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 13 फंदे उल्टे बुने। तो ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 13 फंदे उल्टे बुने। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा पीछे प्लस वाले 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे किनारी वाला फंदा उल्टा।
तीन नंबर सिलाई में। पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें, दो फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें। ये एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब हमने पहले की तरह ही ये तीन फंदों का एक बनाना है। तो पहले हम तीनों फंदों को ऐसे उतारेंगे, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए तीन का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के बाद आगे छह फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने। ये एक फंदा सीधा बुनने के बाद तीन फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए तीन का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के बाद छह फंदे सीधे बुनें। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। पांच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुनें। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुनें। ये दो फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने फिर ये तीन फंदों का एक बनाना है। तो तीनों फंदों को उतारें और उतार कर पीछे से बुनते हुए तीन का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के बाद चार फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। तो धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुनें, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुनें। दो फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदों को उतार कर तीन का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के बाद चार फंदे सीधे बुनें। ये हमारा दूसरी बार 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे किनारी वाला फंदा सीधा। सात नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुनें। चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुनें। ये तीन फंदे सीधे बुनने के बाद फिर तीन फंदों का एक बनाएं। तीन फंदों को उतार कर तीन का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के बाद दो फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुनें, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुनें। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदों को उतार कर तीन का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के बाद दो फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुनें,
धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा। ये हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और हमारा ये एक तरफ का लीफ डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब अगली 8 सिलाइयों में हमने दूसरा लीफ बनाना है। देखिए अगली 8 सिलाइयाँ कैसे बुननी है। 9 नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने। दो फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 8 फंदे सीधे बुने। तो ये 8 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने ये 3 फंदों का एक बनाना है। तो तीनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे और 3 का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा। तो ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। तो धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, 8 फंदे सीधे बुने। ये 8 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे, प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 11 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने। धागा पीछे, 6 फंदे सीधे बुने। छः फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे बुने। छः फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 13 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे बुने। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद 2 फंदे सीधे बुनें, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे बुने। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे, प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 15 नंबर सिलाई पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने,
धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने। ये दो फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदों को एक साथ बुनकर तीन का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं, चार फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने। दो फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदों को एक साथ बुनकर तीन का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं, चार फंदे सीधे बुने। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे, प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ये हमारा 16 सिलाइयों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हमने इन्हीं 16 सिलाइयों को रिपीट करना है और हम इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।